जब तक वैक्सीन कंप्लीट नहीं करेगा ये तब तक इसको व्लॉग में नहीं लेंगे। और ये रहे आप लोगों के कमेंट्स। ये हमारे एम्बुलेंस दोस्त है, हमारी नई स्मार्ट वॉच है। और जी अभी बज चुके हैं 12 और शुरू हो चुका है नया साल। बोले तो हैप्पी वाला न्यू ईयर 2022 एंड विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ये नया साल बहुत सारी खुशियां बहुत सारी बरकत लेके आए आप सभी लोग के घरों में, यही मेरे दिल से दुआ है। और चाहे आप इससे विश्वास कह लीजिए या अंधविश्वास कह लीजिए, लेकिन जब भी कोई ऐसा फेस्टिवल आता है या कोई ओकेजन आता है या कोई भी स्पेशल डे आता है तो मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि इन स्पेशल दिनों में मैं कुछ काम करूं अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और ये चीज़ मेरे उन दिनों को और ज़्यादा स्पेशल बना देती है। इसीलिए अभी रात को 12 बजे भी शूट चालू है। ऑलराइट जी, सोचा नहीं था कि व्लॉग का सेकंड सीन ऐसा होगा। स्क्रिप्ट कुछ और बनाया गया था लेकिन अचानक से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और ये चीज़ मैंने आज से कभी व्लॉग में नहीं डाली है और आज भी डालने का प्लान नहीं था। लेकिन ऐसा है कि मैं इंस्टाग्राम पर अपडेट दे देता हूँ लेकिन यूट्यूब पर मैं कभी अपडेट देता नहीं हूँ, तो आज ये पहली और आखिरी बार है कि मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो अभी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, अभी मेडिसिन लिया है और अभी सोता हूँ एंड आई होप जल्दी ठीक हो जाए और व्लॉग का अगला पार्ट शूट करें। तो अभी मिलते हैं आपको ठीक होने के बाद। ऑलराइट ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आज काफी दिनों के बाद अपने को ये वाला व्लॉग कंटिन्यू करने का मौका मिला है एंड टुडे वी विल अनबॉक्स अवर न्यू स्मार्ट वॉच। लास्ट वाले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एक नया स्मार्ट वॉच ले रहा हूं, लेकिन स्मार्ट वॉच का नाम मैंने रिवील नहीं किया था, वो हम रिवील करेंगे आज। और इसके जो दो सबसे बड़े फीचर है जिन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट किया, पहला तो ये कि इस स्मार्ट वॉच में क्रिकेट स्पोर्ट्स का एक्टिविटी मोड दिया गया है जो कि अपना बहुत ही फेवरेट वाला स्पोर्ट्स है। और जो दूसरा सबसे बड़ा फीचर है इस स्मार्ट वॉच का जिसने मुझे बहुत 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 ज्यादा अट्रैक्ट किया वो है इनबिल्ट एलेक्सा। बोले तो आप वॉइस कमांड्स के थ्रू भी स्मार्ट वॉच को ऑपरेट कर सकते हो। और जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो किया हुआ उन लोगों से काफी पहले ही पता चल गया होगा कि हम किस स्मार्ट वॉच के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पर हम एक कदम आगे चलते हैं। और हमारी नई स्मार्ट वॉच है नॉइस कलरफिट प्रो 3 असिस्ट, और इस स्मार्ट वॉच के बारे में और बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाते हैं। इसमें हमारे डॉक्यूमेंटेशन होंगे, ये है थैंक यू कार्ड, इसके पीछे गारंटी, और ये डॉक्यूमेंटेशन है, अब देखिए इनका एक सिनेमैटिक भी रोल। तो जी अभी बात करते हैं हमारी नई स्मार्ट वॉच के बारे में कि मैंने इसी स्मार्ट वॉच को चूज क्यों किया। जैसे कि मैंने आपको क्यूब वाले ब्लॉग में भी बताया था कि स्मार्ट वॉचेस के रिगार्डिंग मेरी जो रिक्वायरमेंट्स और यूजेस है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, इसलिए रिसर्च करते टाइम मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। और जब मैं अपने क्यूब लेकर नॉइस के सर्विस सेंटर में गया था तो वहां पर उन्होंने मुझे 5 ऐसे मॉडल्स के बारे में बताया जिनको हम आग बंद करके परचेज कर सकते हैं, और ये लॉन्ग टाइम चलने वाले मॉडल्स थे, और उनमें से 2-3 मॉडल्स मैं ऑलरेडी यूज कर चुका था। और जब मैंने कलरफिट प्रो 3 असिस्ट के बारे में रिसर्च किया तो जो जो फीचर्स की रिक्वायरमेंट मुझे थी वो सभी फीचर्स इस स्मार्ट वॉच में थे, और उसके अलावा दो जो कमाल के फीचर्स मैंने आपको बताए हैं, क्रिकेट का एक्टिविटी स्पोर्ट्स मोड और इनबिल्ट एलेक्सा, ये अपने को बोनस में मिला था, तो इसीलिए मैंने कलरफिट प्रो 3 असिस्ट को ही लेना बेटर समझा। और अगर इसके डिस्प्ले के बारे में बात की जाए तो ये जो आवाजें आप सुन रहे हैं ना, ये घर के बाहर से आ रही है, और घर पे व्लॉग शूट करते टाइम ये प्रॉब्लम्स काफी कॉमन है अपने व्लॉग में, तो इसीलिए कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है शूट करने में। अगर इसके डिस्प्ले की बात की जाए तो इसमें 1.55 इंचेस का डिस्प्ले है, उसके अलावा इसमें 14 स्पोर्ट्स मोड अवेलेबल है, और इसमें 120 प्लस फेस वॉचेस अवेलेबल है जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज लगी। और इसका जो बैटरी बैकअप है वो है 5-7 डेज का, डिपेंड्स ऑन योर यूजेस एंड ऑफकोर्स
फेस वॉच। और किसी भी स्मार्ट वॉच में मुझे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर चाहिए होता है, वो चाहिए होता है कॉल नोटिफिकेशन का, क्योंकि काफी बार मैं राइड पे होता हूँ और उस टाइम पर मैं हर बार रुक के कॉल चेक नहीं कर सकता कि किसका कॉल आ रहा है। तो इसलिए मुझे ऐसा स्मार्ट वॉच चाहिए था जिसमें कॉल आने पर नंबर यहाँ पे फ्लैश हो जाए, ताकि राइड करते वक्त तिरछी नजर से चेक कर लो कि किसका कॉल आ रहा है, और अगर कॉल इंपॉर्टेंट है तो रुक के कॉल पिक करो, नहीं तो राइड पे फोकस। और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मुझे लगता है किसी भी स्मार्ट वॉच में, वो है फाइंड फोन का। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी मैं कोई व्लॉग शूट करता हूं तो उस टाइम पर मैं अपने मोबाइल को साइलेंट करके इधर उधर फेंक देता हूं, और जब मोबाइल ढूंढने की बारी आती है तब वहां पर काम आता है हमारा ये स्मार्ट वॉच। इसमें आपको स्मार्ट वॉच में जाना है, यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा फाइंड फोन का, और इस पे क्लिक करते ही सिंपल। और जो उसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वो है इनबिल्ट एलेक्सा का। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार एलेक्सा को टेस्ट कर लेते हैं कि वॉइस कमांड्स के थ्रू हम कौन कौन से फीचर्स यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द वेदर फोरकास्ट इन चंडीगढ़ सिटी? ये देखिए पूरे हफ्ते का वेदर रिपोर्ट आ गया यहां पर। हाउ मेनी स्टेट्स डज इंडिया हैव? प्लीज सेट द टाइमर ऑफ 5 सेकेंड्स। टाइमिंग शुरू हो चुका है एंड दैट इज फाइंड माई फोन। नहीं, ये वाला फीचर अवेलेबल नहीं है। हु इज द सीएम ऑफ पंजाब? मतलब कि हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं इससे, तो काफी इंटरेस्टिंग फीचर है ये। और अब बारी है इसके स्पोर्ट्स मोड को टेस्ट करने की, एंड आई एम रियली वेरी 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 सुपर एक्साइटेड टू टेस्ट द क्रिकेट मोड ऑफ दिस स्मार्ट वॉच। तो अभी हम चलते हैं अपने घर के बाहर और टेस्ट करते हैं इसका स्पोर्ट्स मोड। ऑलराइट जी, मैं अभी आया था अपने पास के ग्राउंड में अपनी नई स्मार्ट वॉच को टेस्ट करने के लिए। और इससे पहले जब मैं क्यूब को टेस्ट करने के लिए गया था तो उस टाइम पर मुझे ट्राई करना था सिर्फ वॉकिंग और रनिंग एक्टिविटी, लेकिन क्योंकि इस बार इस वाली स्मार्ट वॉच में हमें क्रिकेट का स्पोर्ट्स मोड दिया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर आए हैं क्रिकेट एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स बीरोल्स भी लिए जाएंगे, और बीरोल्स के लिए अपने पास स्पेशल लोग हैं। ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, स्वागत कीजिए हमारे मित्रों का रविंदर एंड अजय। और काफ़ी टाइम के बाद ये दोनों अपने व्लॉग में आए हैं। ये तो मेरे ख्याल से लास्ट मुझ तक का जो सफ़र था उसमें आया था, उसके बाद ये आज ही मिला अपने को। इस वाले व्लॉग के आई कार्ड में मैं इन दोनों के जितने भी व्लॉग्स हैं सबके लिंक में डाल दूंगा, ताकि आप इजीली देख पाएं। और एक बात है, जब भी मुझे बीरोल्स शूट करना होता है ना, या कैमरा के पीछे काम करना होता है, तो मुझे याद आती है सुपर हीरोज़ की। और हमारे सुपर हीरोज़ ये दोनों हैं, ये हमारे एम्बुलेंस दोस्त है। अपने व्लॉग का एम्बुलेंस कौन? अजय और रविंदर भाई, ठीक है। तो आज के बाद कभी भी अपने व्लॉग आएंगे तो इनको सिर्फ यही बोलना है, अपने व्लॉग का एम्बुलेंस कौन? अजय और रविंद्र भाई। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि आज मैं सोच रहा हूँ कि कुछ सिनेमैटिक बीरोल्स लिए जाएं, और सिनेमैटिक बीरोल्स अच्छे तभी आते हैं जब शॉट्स प्रॉपर हो। एडिटिंग अच्छी तभी लगती है जब शॉट्स उस लेवल के हो। और जब भी मैं इन दोनों को ये चीज बोलता हूँ तो म्यूजिक मेरे माइंड में होता है, स्क्रिप्ट मेरे माइंड में होता है, लेकिन इन दोनों को कुछ नहीं पता होता उसके बारे में। लेकिन फिर भी इतने कमाल के शॉट्स लिए इन्होंने, चाहे आप मुझसे मुझ तक का सफर उस वाले व्लॉग में देख लीजिए, या अपना कौन सा व्लॉग था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो वाला व्लॉग देख लीजिए, उनके भी आई कार्ड में लिंक मिलेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारी इस स्मार्ट वॉच को टेस्ट करना, तो आ जाओ। राज जी, अपने क्रिएटिंग शॉट्स हो चुके हैं सारे। अब क्या है कि ये दो जो खिलाड़ी हैं ना, ये भी बहुत ही कमाल के प्लेयर्स हैं, तो ज़रा इनके भी क्रिएटिंग शॉट्स देख लो। ऑलराइट जी, अपने जितने भी क्रिकेटिंग शॉट्स थे सारे कंप्लीट हो चुके हैं, और अभी मैं आपको मिलता हूँ डायरेक्ट घर पे, और अपनी ये जो स्मार्ट वॉच है इसका आपको रिव्यू देता हूँ। तो अभी घर पे मिलते हैं, आ जाओ।
ऑलराइट जी, तो जी कल शाम को मैं बहुत ही ज्यादा थक गया था और घर पर आकर डायरेक्ट मैं लुढ़क गया था और इसीलिए कल रात को मैं व्लॉग का लास्ट वाला पार्ट शूट नहीं कर पाया। तो जी सबसे पहले कल जो हमने एक्टिविटी की है उसको चेक कर लेते हैं और उसके लिए हमको जाना होगा नॉइसफिट असिस्ट की ऐप में और यहाँ पर टैप करेंगे तो कल जो भी हमने एक्टिविटी की है वो यहाँ पर आ चुकी है और इसको टैप करेंगे तो सारा डाटा हमारे यहाँ पर आ चुका है कि हमने कितनी कैलोरीज बर्न की है, हमारा ट्रेनिंग टाइम क्या रहा है, हमारा एवरेज हर्ट रेट क्या रहा है, कितने स्टेप्स हमने चले हैं, हमारा मैक्सिमम हर्ट रेट क्या है। और यहाँ पर आप कॉर्नर में देख पाएंगे एक्सट्रीम एक्सरसाइज, अनएरोबिक एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज, फैट बर्निंग, वर्न अप एचआर, तो ये सब डाटा अपने को यहाँ पे अवेलेबल हो गया है। और ये जो डाटा है ये इन्होंने काफी टेक्निकल वे में दिखाया है, लेकिन वो क्या है ना कि मुझे ऐसा लगा था कि ये जो क्रिकेट का एक्टिविटी मोड है ये अलग तरीके से डाटा दिखाएगा, लाइक हमने कितना वॉक करा है, कितना हमने रनिंग करा है, हमारा एवरेज स्पीड क्या रहा है, हमारा मैक्सिमम स्पीड क्या रहा है, हमारा स्लोवर स्पीड क्या रहा है। लेकिन वो क्या है ना कि मुझे इन गैजेट्स के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है तो इसलिए मैंने जनरली अपना जो ओपिनियन था वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, लेकिन जो भी है इसमें ठीक है अपने लिए। और एलेक्सा की अगर बात करें तो काफी यूजफुल फीचर मुझे लगा, जैसे कि अगर आप बाहर है और अचानक से आपको कोई जनरल नॉलेज की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप इसके थ्रू ले सकते हो, आप टाइमर सेट कर सकते हो, स्टॉपवॉच लगा सकते हो, अलार्म लगा सकते हो, और उसके अलावा अगर आपको वेदर फोरकास्ट की रिपोर्ट चाहिए तो वो भी आप इसके थ्रू ले सकते हो। लेकिन एक चीज जो मुझे फील हुई, अगर इसमें फाइंड माई फोन का भी ऑप्शन होता तो शायद और ज्यादा बेटर होता और ये जो फीचर है ये कंप्लीट हो जाता, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन वही चीज है कि मुझे गैजेट्स के बारे में ज्यादा टेक्निकली नॉलेज नहीं है, आई एम जस्ट शेयरिंग माई ओपिनियन एज जस्ट लाइक ए कॉमन मैन। और इसके अलावा एक और जो चीज मैंने नोटिस की वो इसका ऑन टाइम, इसका ऑन होने का टाइम बहुत ही ज्यादा लंबा है। ऑन करने के लिए आपको इसके जो बटन है उसको मिनिमम 10 सेकंड्स के लिए प्रेस करके रखना पड़ेगा, उसके बाद ये ऑन होगा। और जितनी भी स्मार्ट वॉचेस मैंने यूज की है उसमें मैक्सिमम टाइम 5 सेकंड्स या 3 सेकंड्स रहता है, लेकिन 10 सेकंड्स का टाइम मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा है। और जाने से पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि इस स्मार्ट वॉच का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे जाके आप इस स्मार्ट वॉच की पूरी डिटेल चेक कर सकते हो और अगर आपको पसंद आए तो वहां से आप बाय भी कर सकते हो। अगेन नॉट स्पॉन्सर्ड, बट वो क्या है कि हमारी ऑडियंस में से अगर किसी को ये स्मार्ट वॉच पसंद आता हो और अगर वो लेना चाहता है तो उसके लिए भी कुछ ऑप्शन होना चाहिए ना। ऑलराइट जी, तो जी मैं अभी ये वाला व्लॉग एडिट कर रहा था जो आप देख रहे हैं, इसी व्लॉग को मैं एडिट कर रहा था और मुझे याद आया कि लास्ट वाले व्लॉग में मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग गैस कीजिए कि मेरा नया स्मार्ट वॉच कौन सा है, और अगर आप लोगों ने सही गैस किया तो आपका कमेंट हम फीचर करेंगे हमारे व्लॉग में। तो आप लोगों का कमेंट देखिए अब।